मोहाली रेलवे स्टेशन फेस 9 नेड़े स्थित भगवान श्री परशुराम मंदिर अते धर्मशाला अते शनिधाम मंदिर विखे शनिवार नूं स्थापना दिवस पूरे उत्साह नाल मनाया गया। इस दौरान संत समाज तरफों हरिद्वार जूना अखाड़ा तो पूज्य महंत विश्वपुरी अते रबाब स्टूडियो दे MD ते समाज सेवी अश्विनी संभाल की अते कैफेटे दे MD श्रीमती आभा बंसल ने विशाल धार्मिक समागम विच मुख मेहमान वजों पहुंच के प्रोग्राम दी शोभा वधाई। दूजे पासे भजन गायक कुलबीर सैनी अते वीडियो डायरेक्टर गग्गी सिंह दी टीम ने अपने जबरदस्त गायकी अते मन मोह लैण वाले भजना नाल संगतां नूं नच्चन लई मजबूर कर दिता। इस दौरान प्रोग्राम दे अंत च संगतां लई अटूट भंडारा लगाया गया जिसनूं सारिया ने श्रद्धा भावना नाल प्रवान किया। इस संबंधी मंदिर दे मुख सेवादार VK वैद अते उन्हां दी समुची टीम ने दस्या कि प्रोग्राम विच पहुंचे सारे मेहमानां नूं भगवान श्री परशुराम दी फोटो अते होर यादगारी चिन्ह पेंट करके सन्मानित किया गया। उन्हां दस्या कि स्थापना दिवस ते सवेरे मंदिर विच हवन किया गया अते फिर मंदिर दी महिला संकीर्तन प्रधान मैडम हेमा दी समुची टीम वालों विशेष कीर्तन किया गया अते उपरांत भजन मंडली वालों भजन प्रोग्राम किया गया। इस तरह का तुसी अरेंजमेंट देख रहे हो? मैं सब तो पहले तो बधाई देना चाहता जी सारे मंदिर कमेटी ने और खास करके प्रधान जी अपने वैद साहब जिन्होंने बड़ी मशक्कत और मेहनत करके ये सारा मंदिर मतलब पूरा तैयार किया। क्योंकि जिस तरह आप मंदिर वगैरह बनाते हैं इतने सिर्फ माहौल पैदा करने वास्ते अपन एक चीज़ की जरूरत होंगी, अदरवाइज तो मंदिर वगैरह लोगों के घर घर होंगे हैं। सो वैद साहब ने जी हिम्मत मार के काम किया है वह बहुत शलाघायोग है। मैं तकरीबन मेरा ख्याल है भी 10 साल बाद इतने आया है या फिर इस मंदिर का नींह पत्थर रखने वास्ते मैं आया सीगा या फिर मैं अज इत्थे पहुंचा क्योंकि अज मैं लगता फिर लेंटर की वारी है इस करके प्रधान जी ने मैं बुलाया। पर मैं एक गल की होर तायद भी करदा और प्रशंसा भी करदा कि इस पिछले 10 साल च प्रधान जी ने वैद साहब ने और पूरी मंदिर कमेटी ने मैं बार बार स्नेह भी दिते। नहीं कि एक बार मेरे तो कोई वैसे मैं तो कौन हूँ किसी भी तरह की मदद करने वाला पर इन्होंने मेरा मनू मैसेज दे के मैं थोड़ा अज भी दिखा सकता हर शनिवार जो भी इतने प्रोग्राम हों मैनू हर बार बुलाते हैं पर मेरी किस्मत माड़ी है मैं इतने पहुँच नहीं सकता क्योंकि परमात्मा ने थोड़ी कम्मा करके मेहनत करनी पै रही है इस करके थोड़ा जा प्रॉब्लम आ रही है। सो अज वैद साहब ने कहा कि जरूर आना तो मैं पहुँच गया। 10 साल की गल कर रहे कि बदलाव इस मंदिर से देखे कि मतलब चेंजिंग हुई है इस चीज़ मैं बिच वाला तो दस ही नहीं सकता क्योंकि पहले दिन जिस दिन मैं आया उस दिन अजय नीवं पट्टिया सगिया अज मेरा ख्याल है भी सारा मंदिर है जोड़ा वो मुकम्मल है तैयार है बिल्कुल लोगों के दर्शन करने वास्ते बिल्कुल और अंदर देखो कि आनंदमयी माहौल है सारी लेडीज़ अपने संकीर्तन मंडली है जी भजन कर रही है और बड़ा वधिया लगता है। अपने हिंदू जोड़े लोग हैं उन्होंने यह जे संस्थाव जाना चाहिए और मैं ये महसूस भी करता मैं अक्सर बड़े बड़े मंदिरों च पूरे मेरे ख्याल है भी भारत जाके आया पर जड़ा अजे भी आप बहुत पीछे हैं उन्नी है नहीं जिनी होनी चाहिए है गलबात पर वो मेरा ख्याल है भी आप सारे हिंदू जड़ा तबका उन्होंने तालमेल की कमी है इतने इन्नी संगत है जबकि मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया नहीं है फिर भी इन्नी संगत देख लो ये बारे की कहोगे? ये तो सारी मंदिर कमेटी का प्यार है इस करके सारे मेरा ख्याल है भी सारे सैक्टर तो सारे आले दुआले मैं देखा भी इलाके तो बंदे इतने आते हैं मैं भी अज इतने आने का मौका मिले वैद साहब जी तो शनि मंदिर सर वैबसाइट पर इस टाइम जितने खड़े हैं बढ़िया हुआ इस तरह का मंदिर शनि मंदिर देखे मोहाली च मैं कितने नहीं देखे जी ईवन मैं अपने पिंड आप शनि मंदिर बनाया हुआ है मैं हमने वैद साहब नाल गल कर रहा था क्योंकि मैं अगे उन्होंने अपग्रेड करना मैं इतने तो हूँ काफ़ी कुछ देखा वैसे मैं ऑलरेडी ऑर्डर कराया है मूर्तियाँ वगैरह राजस्थान मैं अपने मेरी भी कोशिश रही है मैं अपने पिंड अजे हमने खेड़ा बनवा के हटिया
और उस तो बाद मंदिर अपग्रेड कर रहे हैं। वो तकरीबन मेरे खेले 200-300 साल पुराना मंदिर है, उन्होंने असी सारी तरह की मूर्तियाँ असं दुबारे लगा रहे हैं। और मैं देखा, मैंने दसिया प्रधान जी ने कि इतने मैम ने बड़ा उद्यम करके पूरा मंदिर है जिहड़ा सनी दा इन्होंने बनवाया। और मैं बाकी लोगों को भी अपील करूँगा कि आप अपने धर्म को उपर चुकने वास्ते सारे कदम चुकने चाहिए। नमस्कार जी, विजय जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बधाई आज के दिन के लिए। आज हमारे मंदिर में स्थापना दिवस है, जो हमारे ऊपर मेन मंदिर की जो मेन मूर्तियां हैं उन सबका आज जन्मदिवस है, और हम सब यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हाँ जी बताइए। एक कहावत है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, लेकिन इस मंदिर पे कहीं कहावत नहीं, ये सच्चाई है। बहुत बहुत कृपा और सब पे कृपा बनी रहे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लेकिन आपकी कृपा कुछ मंदिर पे ज्यादा है यहाँ पर। हमारी कृपा नहीं, हमें ड्यूटी लगाई गई है जी, ये संकेत भगवान जी दे देते हैं और हम लोग चल पड़ते हैं उसी पथ पे, तो संकेत मिल जाता है कि ऐसे करो, और वो रास्ता भी भगवान खुद ही बनाते हैं और उसके सोर्सेज भी खुद ही दिलवाते हैं, और प्रेरणा भी भगवान जी से ही मिलती है, तो ऐसा संकेत मिलता रहता है और हम उस पथ पे अग्रसर होते चले आ रहे हैं, और बस भगवान की कृपा। भंडारा भी शनिदेव मंदिर में आपकी तरफ से करवाया जा रहा है, इतना कुछ इसके बारे में कैसे आप ये सारा अरेंजमेंट कैसे करते हो? ये जो भंडारा है जी, वो एक बहुत छोटा सा हमारी तरफ से उपक्रम है, बहुत छोटा सा एफर्ट है भगवान के चरणों में। जिस तरह से भगवान जी ने हमें ब्लेस किया है या जितनी शक्ति दी है एक इंसान को, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके दो हाथ दो पैर, और जो जिस तरह से इंसान को सबसे उत्कृष्ट उन्होंने बनाया है, उसके हिसाब से हम तो बहुत थोड़ा उनके चरणों में निभा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर तक कुछ करने की ज़रूरत है, और हमारे धर्म के उत्थान के लिए, संस्कृति के लिए हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत है। और मैं सबसे अपील करूँगी कि थोड़ा थोड़ा हर इंसान, हर हिंदू जो है, हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते हैं, सनातनी है, वो अपना थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाए और हम इस तरह से अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे, और आने वाली पीढ़ियों तक हम अपनी संस्कृति को उत्थान पर लेके जाने के लिए उनको प्रेरणा देते रहेंगे। मैम, शनिदेव में आपके परिवार की ज़्यादा आस्था है, आपने मटौर में भी मंदिर बनाए, उसके बाद फेसमा मंदिर बनाए, इसके बाद भी कई विचार चल रहा है, कई जरूरत लग रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है जी, क्योंकि भगवान के चरणों में और भगवान के कामों में कभी रुकते नहीं वो, मतलब ये नहीं कि ये बना दिया तो यहाँ पे एंड हो गया। जगह जगह पे मंदिर, जगह जगह पे आस्था के स्थान बनते रहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, हमारा पंजाब जो स्टेट है वो बहुत बड़े, मोहाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा है, और जगह जगह पे हमारे मंदिरों का उत्थान की ज़रूरत है, और वहाँ पे रेनोवेशन की कई मंदिरों में ज़रूरत है, कई मंदिरों में नए मंदिर बनाने की ज़रूरत है कई स्थानों पर, तो वो बनते रहेंगे, हर इंसान अपने अपने एफर्ट करता रहेगा, तो ज़रूर जो हमारा एफर्ट होगा, जो हमारी सक्षमता होगी, जो हमारे को संकेत मिलेगा, जो हमारी ड्यूटी लगेगी उनकी तरफ से, वो हम निभाएंगे जरूर। एक आखिरी सवाल है कि आपके, मतलब आपसे, कि बनाने के बाद ही मंदिर में आप आते हो, हर प्रोग्राम में शिरकत करते हो, बाकी संगत को क्या अपील करना चाहोगे, कितना बढ़िया मंदिर यहाँ सारा कुछ उनके लिए? देखिए, सब अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ जो भी जिससे जो बन पड़ता है वो सब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आज एकत्रित हुए हैं वो सब सनातनी और भगवान प्रेमी है, तभी वो आज यहाँ खड़े हैं, नहीं तो सड़क पर बहुत चलते हुए लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं। जो यहाँ पहुँचा है वो डेफिनेटली भगवान का प्रेमी होगा, प्रभु प्रेमी होगा, तो वो यहाँ पे आज यहाँ शीश निवाने पहुँचा है। तो दान भी किया है, लगातार सेवा भी कर रहे हो, मंदिर कमेटी के बारे में कैसी व्यवस्था है, कैसा अरेंजमेंट? बहुत ही अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही डाउन टू अर्थ यहाँ पे लोग हैं, और हमारे से बहुत प्रेम है उनका, और बहुत आदर सत्कार के साथ हमारा और उनका प्रेम बना हुआ है, और उसका रीज़न यही है कि अच्छे दिल के लोग हमें मिले हैं, और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमने अगर यहाँ पे कुछ अपना एफर्ट लगाने की कोशिश की तो हमें अच्छे बंदों का साथ मिला। सुबालकी साहब आए हैं, कुछ दान वगैरह कुछ लेना चाहते हो? हाँ जी, मैं नहीं, ये मैंने अभी सुन रही थी इनका इंटरव्यू, ये इन्होंने बताया कि बहुत सालों से ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं तो खैर इतने सालों से नहीं जुड़ी, और इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे लेंटर नहीं था या छत नहीं थी तो तब से ये यहाँ पे हैं, और मुझे लगता है कि इनकी शख्सियत देख के कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट इस मंदिर को यहाँ तक पहुँचाने में ज़रूर लगाए होंगे, और जो इंसान यहाँ शीश निवाने पहुँचता है उसके दिल में ज़रूर प्रभु के लिए रिस्पेक्ट, इच्छा और वो शक्ति आ जाती है कि वो प्रभु के चरणों में कुछ ना कुछ करने की उसके दिल में वो आती है, एक झील आ जाती है, वैसा वो करने को, उसके कर गुजरने को उसके दिल में ज़रूर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। जी, क्या कहना चाहूँगा मैं?
सबको पहले आज इतना बड़ा खुशी भरा दिन है हमारे लिए, परिवार बढ़ता परिवार बढ़ता जा रहा है, तो सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत खुशियों भरा दिन है और इतने अच्छे और इन लोगों का साथ हमें मिला है उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज के दिन के लिए। संभाल की साहब भी आए, कहते ना जिस पर कृपा प्रभु राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई, तो इन सबको राम जी ने भेजा है हमारी यहाँ पे साथ देने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हमारे इस भवन बसुराम मंदिर का स्थापना दिवस है और रिटायरमेंट के बाद मैंने एक जुनून था इसको बनाने का, तो उसको हमने कोशिश की अनथक मेहनत करके मेरी टीम ने कि हम इसको बना सकें, और इसमें हम सभी का साथ मांगा। उस समय जब ये पहले मैं अपने भाई संभालकी की बात करता हूँ अश्विन जी की, मैं थोड़ा बहुत ये मुझे जानते थे क्योंकि मैं बतौर ट्रैफिक इंस्पेक्टर यहाँ मोहाली में सेवा की है, तो जब मैं रिटायर मैं रिटायर हो गया था, तो मैं इनको इन्होंने कहा यहाँ अनाउंस किया कि भाई सारा सरिया जितने लेंटर पर भी वे अंडर कंस्ट्रक्शन था, जितना सरिया लगेगा मैं लूँगा। समहाउ हमारे किसी सज्जन मेली ने इनको बताया जाकर कि वहाँ कुछ नहीं होना, आप मत दो, इनकी बातों में आ गए। मैं अपनी टीम के साथ इनके पास पहुँचा और इनको थोड़ा सा इनसे मुलाकात की और इनको मैंने बताया कि भी मैं थोड़ा सा आपसे एक बात करनी है कि आपने वहाँ भगवान के घर में अनाउंसमेंट की है, लाख की है, 5 लाख की, करोड़ की है, चाहे 1 रुपया दो ताकि मैं जवाब दे सकूं कि भगवान उसका जैसा योग्य था उसने दिया। इन्होंने उसी समय सरिया वाले को टेलीफोन किया कि जे सुबह वैसा भाई कि जितना सरिया कहते उतना दे दो, पहला लेंटर जहां मंदिर पड़ा है वो इनका सरिया दिया हुआ था। इत्तफाक की बात देखो, ये इतने सालों बाद मेरी मुलाकात होती थी, मैं मैसेज भेजता रहा, मेरी आदत है कि जो मेरा मेंबर मैं उसको एजुकेट करता रहता हूँ कि ये मंदिर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इतने सालों बाद मैंने कहा क्यों ना संभालकी जी को, हमारे छोटे भाई हैं, इनको मान सम्मान आज दिया जाए इस दिवस पे, तो एक ब्राह्मण है। तीसरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनकी खुशकिस्मती या हमारी भी खुशकिस्मती कह लीजिए कि अभी जो दूसरे लेंटर की तैयारी है और सब आगे से आ गए, सरिया नहीं आया और भगवान ने इनको भेज दिया कि ले भी सरिये वाला आ गया है, अब जो पिछली कमी थी वो भी पूरी कर देगा। वैसा इन सालों मंदिर कमेटी का बाकी सदस्य कितना सहयोग रहा? नहीं अच्छा जी, 5 उंगलियां हैं, अपनी फैमिली है, सभी के विचार नहीं मिलते, तो मंदिर में भी ऐसे डिफरेंट हमारे मेंबर आते हैं, कुछ नाराज होकर चले जाते हैं, कुछ इमोशन होकर चले जाते हैं, कुछ हमारा देखते हैं। थोड़ा सा मैं जिस महकमे में मैंने काम किया थोड़ी मेरी लैंग्वेज हार्श है, तो बोली भी थोड़ी सी ऐसी है कि मोटी बोली है, तो उस लोग बोली से भी लोग कुछ नाराज हो जाते हैं कि प्रधान जी हमारी इंसल्ट करते हैं, मेरे दिल में कुछ नहीं है। लेकिन आप बाद में मनाने भी तो जाते हैं? हाँ, मैंने देखो मेरी एक लॉयल्टी है, मैंने 9 DG के साथ काम किया, 9 DG को खुश करना आसानी बात नहीं है, हम अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, अपनी बेगमों को खुश नहीं कर सकते, मैं 9 DG को खुश किया, डिफरेंट टेम्परामेंट के थे, तो मुझे उसकी कला है, ठीक है। और महकमे में हमने डिफरेंट विंग में मैंने काम किया, तो वो लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है, कुछ लोग उसको ले लेते हैं, बाद में हाथ भी जोड़ता हूँ, भाई मेरा मंशा ये नहीं थी, हैं हाँ काम, जब काम सिंसियर हूँ, मुझे काम अलाट करता था DG साहब, मैं काम करके शाम को रिपोर्ट करता था, ओके सर, ऐसा ही काम मैं यहाँ मांगता हूँ, भाई आप सहयोग करते हो तो दिल से करो, मेरी इतनी सी है। आज की खास है आज प्रोग्राम, आज स्थापना दिवस ही, सवेरे 8:30 तो 9:30 बजे तक 10 बजे तक हमारा हवन था, उसके बाद टी ब्रेक हुई, लस्सी ब्रेक हुई, आपने पी ली लस्सी, मिठी पी ली, फिकी भी देख रहा, 5 गिलास आपने पिए हैं, वही मैं दिख रहा था, ठीक है भी करके भी तो है तो उसके बाद हमारा कीर्तन चल रहा है, डिफरेंट अलग अलग मंदिरों से मंडली आई हैं, वो चल रही हैं, उसके बाद हमारे भाई कहाँ जी वो कुलवीर जी अंदर, अच्छा
वो कुलबीर सैनी जी एक अच्छे गायक हैं, वो आए हैं तो हम उनका आगे प्रोग्राम चलेगा। इसके साथ साथ मेरी बहन आभा आई है और मैंने इनको ये कहा, एक वचन दिया था, कल मैंने इनके साथ बात की थी कि बहन जब तक आप का हमारे ऊपर ब्लेसिंग रहेगी, वो तो ऑलमाइटी की, ऑलमाइटी सबसे ऊपर है, लेकिन बहन का प्यार भाई के साथ अगर रहेगा तो भाई मरता नहीं है। तो हाँ भंडारा भी, इसके बाद भंडारा भी होगा और शाम को फिर बांसल फैमिली की तरफ से महा आरती है शनिदेव मंदिर की, और महा आरती के बाद फिर वो शनि पूजन कीर्तन होगा, उसके बाद भंडारा होगा इन बांसल परिवार की तरफ से। मैं इनका भी, बांसल परिवार का भी ऋणी हूँ कि जितनी आज मूर्तियाँ लगी हुई हैं मंदिर में इनकी देन है। ये पीछे शनि मंदिर आप देख रहे हैं, ये भी इनकी देन है। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे नहीं पता, ये बोलते नहीं हैं, ये चुप करके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, तो मैं कह ये पैसे कहाँ से आए, फिर पता लगता है हाँ जी बांसल जी ने भेजे हैं। तो मैं ऋणी हूँ, ये जो आज बन रहा है ना, देखो जिस योग से बन रहा है, बिना पैसे कोई चीज़ नहीं बनती। आज देखो इतने सालों बाद मुझे ज़रूरत थी, एक्यूट नीड थी, ठीक है, आज भगवान ने हमारे संभालकी जी को भेज दिया, जाओ भाई वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप बोलना इन्होंने, मैंने नहीं बोलना। सर एक लास्ट सवाल हैगा, शुरू को लेके आज तक मंदिर के बड़ा ये साइड से मंदिर हैगा जी, किस तरह संगत वाधा होया, किस तरह देख रहे हो, एक स्टार्टिंग तो नाल जुड़े, देखो जी ऐसा है हमारी ये संगत का जो जोड़ है ना, ये हमारी महिला मंडल को क्रेडिट करता है। वो अपना घर बार त्याग करके एक ऐसी लेडी देखी मैंने कि वो अपने मियाँ को भी खुश करती है, अपने बच्चों को भी खुश करती है, अपने परिवार को भी खुश रखती है, और यहाँ भी टाइम टू टाइम डेडिकेटली वह थ्री व्हीलर पकड़कर, कई बार वो पैदल आती है, कई बार थ्री व्हीलर पकड़कर वो यहाँ पहुँचती है, फिर मंडली को एकत्र करती है, लोगों के घरों में जाकर कीर्तन करती हैं और पैसे इकट्ठे करती हैं, फिर एकजुट रखती है। उसमें मैंने बहुत सी क्वालिटियाँ देखी हैं, तो मैं मुझे वहाँ मातृ शक्ति से प्रेरणा मिलती है कि भाई प्रेम कैसे बना के रखना। घरेलू जिम्मे तो भगवान की और परशुराम की फोटो भी तो को बनूंगा। प्रधान जी इधर देखियो एक मिनट, एक मिनट सर इधर देख के जी, और एक बार